नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं सब्जेक्ट से रिलेटेड एनम फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और प्रयोगशाला टेक्नीशियन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो सब्जेक्ट से आपका 70 नंबर पूछा जाएगा यूपी SSSC, जो PET के परीक्षा में जो भी भाई बहने 25 से 50 नंबर तक या उससे ज़्यादा नंबर प्राप्त की कर लेंगे, वो लोग एलिजिबल हो सकते हैं। तो वो लोग भाई बहन जिनका नंबर 25 से ऊपर है, वो लोग तैयारी शुरू कर दें। तैयारी सभी लोग शुरू कर दीजिए। अभी विभाग की तरफ से कोई नोटिस नहीं ऐसा कुछ आया है। नोटिस आने के बाद ही पता चलेगा कि कितने लोगों को जो वो ले सकते हैं या कितना नंबर से वो नोटिसफिकेशन में देंगे कि कितने नंबर से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं मेंस का। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसमें मैं 25 क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत बार पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। कम से कम ये बता रहा हूँ कितनों नहीं तो 10 से 15 बार जो है रिपीट हुए हैं ये सभी प्रश्न जो है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, एक लाइक बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों का। मैं वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूँ, यह सब मैटर जो है मैं बहुत अच्छे अच्छे जगह से लिया हूँ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मिल्क इज गुड सोर्स ऑफ ऑल विटामिन्स एक्सेप्ट। इसमें पूछ रहा है कि जो दूध है वो सबसे अच्छा स्रोत है, लेकिन एक विटामिन को छोड़कर वह कौन सा है? विटामिन सी। दोस्तों, जो भी भाई बहने चैनल पर नए हैं, अगर उनको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो वह हिंदी में लिखकर ऑप्शन लिख सकते हैं। हिंदी में लिख लेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यह NHMCHO के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और SBI जो फार्मासिस्ट के लिए परीक्षा 13 तारीख को होने जा रही है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों, मैं 25 से उठाया हूँ दोस्तों, 25 तक जो था GS और रीजनिंग थे, तो वो प्रश्न मैं करा चुका हूँ, तो ये 25 जो है सब्जेक्ट से आपके रहें। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ 30% ऑफ नंबर इज 12.6 फाइंड इज द नंबर। इसमें क्या है, मतलब 30% जो नंबर है वह 12.6 का जो है कितना होगा यह पूछा जा रहा है। तो मैं आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ, यह हो जाएगा 42 आपका। क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 में क्या रहा है, इन इंडियन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP, शॉर्ट फॉर्म में यही कहा जाता है MTP, एक्ट परमिटेड अबॉर्शन अप टू ऑफ गेस्टेशन। क्या पूछ रहा है, 20 सप्ताह इसका होगा, अगर 20 सप्ताह का बच्चा हो जा रहा है तो आप अबॉर्शन के लिए परमिटेड नहीं, ये जो एक्ट लगा है अबॉर्शन नहीं कराया जा सकता है दोस्तों। ये 20 और अबॉर्शन वैसे इंडिया में बैन है, जो ये सब होता है आपका ये सब बैन है, लेकिन जो बता देना कि मेल फीमेल अल्ट्रासाउंड के साथ में या कुछ और जो है ऐसा कुछ जो है ये सब इंडिया में बैन है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपका क्या है, इन इंडिया मेडिकेशन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट परमिट एबॉर्शन अप टू 20 वीक। जो क्वेश्चन है दोस्तों, हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, क्या बैन क्या नहीं उसे में क्या मतलब है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 जो, हीमोग्लोबिन हैज मैक्सिमम एफिनिटी फॉर, पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 28 का, हीमोग्लोबिन जो है मैक्सिमम एफिनिटी किसके लिए होती है, CO के लिए। हीमोग्लोबिन जो हमारा HB होता है वो जो है मैक्सिमम किसके लिए होता है दोस्तों, मैक्सिमम एफिनिटी, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको CO बोलते हैं, ये टॉक्सिसिटी जो है पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन एमंग द फॉलोइंग। इसमें से पूछ रहा है कि 29 में कौन सा जो है सबसे ज़्यादा जो है हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, इसमें से आपको बताना है। 29 का सी होगा OPV। OPV जो है ये मोस्ट सेंसिटिव वैक्सीन है दोस्तों, हीट सेंसिटिव बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का, द प्रीफर्ड सोल्यूशन टू इन्फ्लेट द बल्ब इन ए फ्लो कैथेटर, जो कैथेटर होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो यह क्या होगा, स्टेराइल वाटर जो सोल्यूशन होता है उसमें जो है हम ये फ्लेट कैथेटर को रखते हैं या उसे स्टेराइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, फ्लो रेट ऑफ 20 g पिंक इंट्रावेनस, मतलब 20 जो होता है 20 नंबर जिसका कहते हैं 20 नंबर 22 नंबर 18 नंबर 24 नंबर ये सब जो है कैनूला का जो साइज है दोस्तों, पूछ रहा था साइज जो है, अब इसमें 20 पूछ रहा है, जो पिंक कलर का जो इंट्रावेनस कैनूला होता है
वह पर मिनट में कितने ml, क्वेश्चन नंबर 31 बता रहा, पर मिनट में कितने ml जो है उसका प्रवाह फ्लो रेट होता है, तो 55 से 80 होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 का जो है सी होगा 55 से 80 होता है, जो पिंक रे का कलर का आपका इंट्रावेनस कैनुला होता है 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32, कैनेरम किनेवम इज द फेमस एंटीबायोग्राफी, आज पूछ रहा है कि जो ये सॉरी फेमस ऑटोबायोग्राफी है कैनेरम किनेवम जो है यह किसका है, यही पूछ रहा है 32 में। तो वी टी भट्ट थ्री पार्ट जो है वही है। क्वेश्चन नंबर 33, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, पूछ रहा है कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है इसमें से कौन सा नहीं है। 33 का आपका डी होगा, एन एस एस ओ जो है यह आपका हेल्थ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम नहीं है। RNTCP है, NACP है, NELP, ये सब जो है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 34 का, इसमें पूछ रहा है डेमोग्राफर इज रिलेटेड टू पीपल इन द सेम वे फिलेटलिस्टिट रिलेटेड, पूछ रहा है 34 का क्या होगा, स्टाम्प्स जो होते हैं उसका जो है। द नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल इन एडल्ट मेल, मतलब पूछ रहा है कि क्रिएटिन जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल जो होता है नॉर्मल कितना होता है मेल में, तो दोस्तों कितना होता है 0.6 से 1.2 mg पर dl। क्वेश्चन नंबर 36 है, द एंटीवायरल ड्रग विच वाज एंटिसिपेटेड टू बी यूज्ड इन द रिसेंट निपाह वायरस आउटब्रेक इन केरलास वाज, इसमें क्या होगा, रिबावीरिन जो है यही होगा दोस्तों ऑप्शन में। द काजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर सिफिलिस, पूछ रहा है कि सिफिलिस के लिए जो काजेटिव ऑर्गेनिज्म है वह कौन सा है, तो ट्रेपेनोमा जो होता है यही काजेटिव सिफिलिस का जो है दोस्तों काजेटिव एजेंट। क्वेश्चन नंबर 38 का, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू एब्सटेन स्मोकिंग के लिए, इसमें क्या कर रहा है कि आपका 38 का क्या हो जाएगा, 38 का बी, द डॉक्टर एडवाइज वाज टू ऑप्शन फ्रॉम स्मोकिंग, ये भरने के लिए दिया गया है। कैरपल टनल सिंड्रोम, इस पर पूछ रहा है कैरपल टनल सिंड्रोम इज कास्ड बाई कंप्रेशन ऑफ विच नर्व, पूछ रहा है कि किस नर्व के कंप्रेशन से ये कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। 39 का, किससे होता है दोस्तों, मीडियन से, जो मीडियन होता है आपका नर्व उसी नर्व से ये कार्पल टनल सिंड्रोम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 में द प्रेजेंट सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर, ये तो पहले का है दोस्तों, इस समय जो है ये क्वेश्चन जो है इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का, इंडोसल्फान इज पेस्टिसाइड, पूछ रहा है 41वां में इंडोसल्फान, तो इंडोसल्फान क्या है, ये ऑर्गेनोक्लोराइड है, इंडोसल्फान क्या है, ऑर्गेनोक्लोराइड, यह एक पेस्टिसाइड है इंडोसल्फान, ऑर्गेनोक्लोराइड पेस्टिसाइड है। क्वेश्चन नंबर 42 का, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड, इसमें पूछ रहा है लेबर इंक्लूड जो है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, एक्टिव मैनेजमेंट का जो थर्ड स्टेज लेबर है जो क्या इंक्लूड है एक को छोड़कर। 42वें नंबर में कौन सा है, ये फंडल प्रेशर, जो फंडल प्रेशर होता है उसी को छोड़कर जो है दोस्तों ये, और ये कंट्रोल्ड कार्ड ट्रैक्शन भी होता है इसमें, यूट्राइन मैसेज भी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन यूट्रोटॉनिक भी होता है, लेकिन दोस्तों ये फंडल प्रेशर जो होता है ये यही नहीं होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 43, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज डेवलप्ड बाई, इसको तो सबको पता है रिलेटिविटी वाज, ये जो रिलेटिविटी थ्योरी है यह जो है किसकी है, रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी जो है यह किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो आइंस्टीन जो एल्बर्ट आइंस्टीन है उनके थ्रू जो है किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मिशन ऑफ द केरला गवर्नमेंट का, इसमें से पूछ रहा कि कौन सा मिशन नहीं है क्वेश्चन नंबर 44 में, तो कौन सा है दोस्तों, सुथिया केरलम ये नहीं है, और सब है लाई है आपका, हरिथरा केरलम है, एंड्रम ये सब है, ये केरला के क्वेश्चन से पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों, मल्टीपल माइलोमा इज प्रीडोमिनेंट,
मल्टी ए मैलिग्नेंसी, आप इसमें पूछ रहा है कि जो मल्टीपल माइलोनोमा होता है वह किसके मैलिग्नेंसी के प्री डोमिनेंट होता है, क्वेश्चन नंबर 45 में, तो किससे होता है, प्लाज्मा सेल से। इसको बहुत अच्छे से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, माइलोनोमा जो होता है मल्टीपल माइलोनोमा, तो प्लाज्मा सेल से यही मैलिग्नेंट करके प्रीडोमिनेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, विच एमंग द फॉलोइंग इज, इसमें से पूछ रहा है कौन सा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन है, लॉन्ग एक्टिव पूछ रहा है दोस्तों, इसमें से कौन सा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन है क्वेश्चन नंबर 46 का, तो कौन सा है, जिब्रेलिन ग्लेरजिन है दोस्तों, सॉरी जिब्रेलिन ग्लेरजिन जो होता है ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन है, ग्लेरजिन जो है। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट बीटा ब्लॉकर, इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा बीटा ब्लॉकर नहीं, क्वेश्चन नंबर 47 का, तो आपका प्रोप्रानोलॉल जो है ये तो बीटा ब्लॉकर है ही, लैबिटोलॉल ये भी बीटा ब्लॉकर है, कर्बेडिलॉल ये भी बीटा ब्लॉकर है लेकिन रेमेपिरॉल जो है, रेमिप्रिल जो होता है ये बीटा ब्लॉकर नहीं होता है, तो ऑप्शन 47 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच इज नॉट ए सिफाइलोस्पोरिन एंटीबायोटिक, इसमें से कह रहा है कि इसमें से कौन सा सिफाइलोस्पोरिन एंटीबायोटिक नहीं है, तो इसमें से सिफाइलोस्पोरिन एंटीबायोटिक कौन सा नहीं दोस्तों, आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये जो ऑप्शन दिया है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, यही जो है आपका सिफाइलोस्पोरिन एंटीबायोटिक नहीं है, और नहीं तो सेफेक्सिम, सेफुरोक्सिम, सेफ्टाजिडिम, ये सब जो एंटीबायोटिक है आपका, ये सब जो है सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है, जबकि दोस्तों बहुत अच्छा एंटीबायोटिक ये सब माना जाता है सेफ्रोक्सिम और सेफ्टाजिडिन वगैरह, लेकिन ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है ये सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक ये नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का, द एपिडेमियोलॉजी ट्राइंगल इंक्लूड, इसमें से कह रहा है कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइंगल कौन सा है, एक को छोड़ के ऑल एक्सेप्ट, इसमें से पूछा इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट पूछ रहा है क्वेश्चन 49, तो हेल्थ जो होता है इसी को छोड़कर जो है एजेंट, इन्वायरमेंट और होस्ट जो होते हैं ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइंगल हैं, कौन कौन सा, एजेंट, इन्वायरमेंट और होस्ट जो है। क्वेश्चन नंबर 50 का देखिएगा दोस्तों, इसमें कह रहा है विच एमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबर कुलर ड्रग, पूछ रहा फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबर कुलर ड्रग कौन सा है, इसमें से पूछ रहा है जो टीबी के लिए होता है, अक्सर देखते हैं दोस्तों आप मार्केट में देखेंगे टैबलेट आता है KT3 करके आता है, और आपको वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में देखेंगे टीबी के लिए जो दिया जाता है देखेंगे रिफैम्पसिन ही रहता है, कौन सा रहता है दोस्तों, रिफैम्पसिन, आपका यही ऑप्शन सही होगा, रिफैम्पसिन जो होता है टीबी के लिए दिया जाता है, और डेप्सोन वगैरह ये नहीं है, एमोक्सीक्लेव जो है और ये जो है लियोफ्लॉक्सासिन, ये सब एंटीबायोटिक हैं दोस्तों, लेकिन ये सब एंटीबायोटिक हैं, और ये रिफैम्पसिन जो होता है ये फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबुलर ड्रग होता है, यही टीबी में, आप बता रहा हूँ टीबी में यही दिया जाता है, टीबी के रोगी को रिफैम्पसिन का टैबलेट ही देते हैं, KT3 के नाम से आता है, बहुत से आते हैं दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड बताया हूँ, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग वीडियो को कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा दोस्तों, एक लाइक कर दीजिएगा, और जो भाई बहने चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि परीक्षा जो है आप लोगों की नवंबर में होने वाली है स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, मुझे ज़्यादा करके फोकस जो करना है स्वास्थ्य कार्यकर्ता पर ही करना है दोस्तों, और यह CHO में भी, NHM जो आपका है UP NHM CHO में भी पूछे जाएंगे, आपके प्रश्न ऐसे SBI फार्मासिस्ट जो है उसमें भी पूछे जाएंगे, मैं आप लोग को वीडियो में बता दिया हूँ, तो जो भी भाई बहने चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे यह वीडियो सभी भाई बहनों तक पहुँच जाए, और तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों, आप लोग के पास समय बहुत कम बचा है, धन्यवाद।